वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 25 मई और अभी हो रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग अभी पार्क में आए हैं, ठीक है। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, और जो स्कैम हुआ है वो है cartoons.in को लेके, ठीक है। और क्या क्या हुआ है हमारे साथ और कैसे कैसे हमने जो चीज़ें वो फेस की थी वो मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिसने भी टाइटल देख लिया है, ठीक है, और वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आप देखो या ना देखो, मैं आपको पहले बता दूं, जो कार्टून वेबसाइट है वो टोटली फ्रॉड है, ठीक है। वहाँ से कुछ भी परचेज़ मत करना, क्योंकि मैंने परचेज़ किया था, ठीक है, अराउंड 700 समथिंग का, और वो मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। मेरा कोई जो मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया था, तो मेरा ट्रिमर नहीं आया है, ठीक है, और ना ही वो पैसे रिफंड आए हैं। हालांकि इसके लिए मैंने कंप्लेन वगैरह भी काफ़ी की है, बट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, ठीक है। तो मेरे साथ जो भी हुआ और जैसे जैसे हुआ मैं वो आपको सब बताता हूँ। तो गाइज, ये आज से 15 दिन पहले की बात है। जैसे कि नॉर्मली मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, मैं जैसे टेक वीडियोस वगैरह जो देखता हूँ, तो मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोस देख रहा था, तो एक ऐड आई cartoons.in की, ठीक है, जिसमें एक ब्राउन ब्रांड है उसका ट्रिमर था, और जो ट्रिमर था उसका ओरिजिनल प्राइस था 5500 का, और वो मुझे जो ऑफ़र कर रहे थे वो कर रहे थे अराउंड 699 रुपीज़ का। तो मुझे लगा ये कोई बेटर डील होगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे परचेज़ कर लिया, ठीक है। और जब मैंने उसे परचेज़ किया, तो परचेज़ करने के बाद जो मतलब नॉर्मली पेमेंट था, ठीक है, वो पेमेंट किया मैंने रेज़र पे के थ्रू, मैंने पेमेंट किया, ठीक है, जिसका सॉरी मैंने फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट किया था, जिसका पेमेंट गेटवे जो था वो रेज़र पे था, ठीक है। और मैंने सब पेमेंट वगैरह किया, मेरा अकाउंट से जो अमाउंट था वो भी डेबिट हो गया था, ठीक है। सारी चीज़ें हो चुकी थी और मैं मतलब काफ़ी खुश था, मैंने कहा चलो इतने कम पैसे में अच्छी डील मिल गई। तो जैसे कि फिर मैंने ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लिया था, तो मैं ऑर्डर को बार बार ट्रैक करता रहा, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी होती है कि हमारी कोई चीज़ आने वाली है, ऊपर से इतनी बेहतर डील मुझे मिली थी। तो मैंने उसे ट्रैक किया अराउंड 12 आवर्स तक मैंने ट्रैक किया था उसे, ठीक है। तो 12 आवर्स ट्रैक करने के बाद उसको क्या हुआ कि मैंने कुछ टाइम बाद देखा उसमें कि वो जो वेबसाइट थी ना वो ओपन ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मतलब क्या है, तो फिर मैंने गूगल पर सर्च किया cartoons.in करके, ठीक है, तो वहाँ पे वो दिखा रहा था कि ये कुछ स्कैम है, रियल है या फेक है। कुछ वीडियोस थी यूट्यूब पर भी कि जिसमें मतलब cartoons.in वेबसाइट इज़ रियल और फेक, ऐसा कुछ करके बहुत सारी वीडियो थी। तो मैंने कहा मुझे चेक करना चाहिए, तो मैंने चेक किया तो वो रियलिटी में जो थी वो फेक वेबसाइट थी, ठीक है। बट मुझे उसका दुख नहीं हुआ कि मेरे जो 700 थे वो डूब चुके थे, ठीक है, बट मुझे एक उससे सीख मिली थी कि हाँ चलो ठीक है भाई, आगे से ये सब चीज़ें मतलब ऑनलाइन अगर कोई भी चीज़ लेनी है तो हमेशा ऑथराइज वेबसाइट से ही हमें लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑथराइज और जो पॉपुलर होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं अमेज़ोन है हमारी, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ठीक है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली जो होता है, मैं जो सामान मंगाता हूँ अपना, कुछ भी मुझे ऑर्डर करना होता है तो मैं अमेज़ोन से मंगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है वो आपको एकदम सब चीज़ें एग्जैक्ट बताते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट के अंदर भी ना वो लोग थोड़ा फ्रॉड सा कर देते हैं। मतलब वो आपको बोलेंगे कि डिलीवरी आपकी आज हो रही है, बट वो अचानक से ना एक मैसेज करेंगे जिसमें आपकी डिलीवरी डिले हो जाती है अराउंड 1 वीक के लिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप कभी भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप उससे कीजिए जो पॉपुलर हो, और आप अमेज़ोन से सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो मतलब सबसे अच्छी जो मतलब डील्स देता है वो मैं, ठीक है। तो गाइस, उसके जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं अभी स्क्रीन पर शेयर करूँगा, आप देख लेना, ठीक है। और मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी की थी उसके रिगार्डिंग, तो मुझे पता चला कि कोई शाहानी एंटरप्राइजेज़ है मुंबई में, ठीक है, तो उन्होंने वो पैसा रिसीव किया है, जो कि मैंने रेज़र पे से भी मतलब कंप्लेन किया है और फ़ोन पे से भी कंप्लेन किया है, बट उनको ये है कि जो मतलब रिसीवर था उसे रिसीव हो चुका है, तो जब तक वो वहाँ से रिफ़ंड इनिशिएट नहीं करेंगे तब तक मुझे रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ आप ऐसे स्कैम में ना फंसें, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं नई चीज़, तो आप प्लीज़ उसको एक बार गूगल पर सर्च कर लें, वेबसाइट पर उसकी देख लें कि वो रियल है या फेक है, ठीक है, और उसके रिव्यूज़ देख लें। समटाइम्स ऐसा होता है रिव्यूज़ फेक होते हैं, बट वो पता चल जाता है कि वो फेक क्यों है, क्योंकि जो उनके रिव्यूज़ होते हैं ना वो ऐसा लगता है कि पेड रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कर देना, थैंक यू सो मच।